प्यारी सात संगत जी बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे साडे वार्तालाप दा विषय है पहला चाह पी लो। सरदारनी जी की सोची जाने हो, जोड़े ता उतार लवो, अंदर ता कीर्तन शुरू भी हो गया। मैं ता तोड़े तो भी काली हाँ, पर ए भाई साहब कहंदे ने पहला चाह पानी पी लो। हुणे ता घरों ब्रेकफास्ट करके आएगा, चाह पानी दी कित्थों जगह। मैं ता ना दस्या पर वार वार कहंदे ने भावे थोड़ी जी लो, पर लो जरूर। वड्डे सरदार जी ने मेनू इत्थे खड़ा ताई कीता कि सारिया तो पहला चाह पानी चुकाना है। ओ पलिए, ए ता अजकल साडी पंजाबी मेजबानी है कि आए गए नू हर हिले विच चाह पलाउणी पलाउणी है, भावे उसका धुआं ही क्यों ना निकल जावे। छड्डो अपने आदर्शां नू, हुण ले भी लो थोड़ी बहुत। चलो महाराज जी, ले ही लैने आ थोड़ी बहुत। ले भी इत्थे ता ऐ लगदा है किसे वड्डे होटल च आ गए आ। आ चिट्टियां टोपियां वाले बहरे, चिट्टियां चाननियां थले वन सवने पदार्थ तो देखोगे मैं सजे ने। रसगुल्ले, गुलाब जामन, बर्फी, गजरेला, दाल दा हलवा ते ओ देखो छोले भटूरे, समोसे, कचोरियां ते ओ देखो जूस, चाह, कॉफी, मसाले वाला दूध है। लगता ही नहीं कि किसी की अंतिम अरदास विच शामिल होना आए हैं। चिंत कौरे, ये तो सब पैसे की खेड है, जो किसी की मर्जी, तुसी एवें क्यों चिंता करी जाने हो। मान लिया कि इत्थे मेजबाना की मर्जी चलती है, पर हुण तां गुरुद्वारियां विच भी चाह प्रदान है। तुसी बिल्कुल ठीक किया, तुहानू तां पता ही होना है पिछले 2 महीने पहला मेरी गुरुद्वारे विच कथा करन दी सेवा लगी हुई सी। हाँ हाँ, मैनू पता है कि तुहाडी कथा करन दी सेवा लगी सी, पर हुण गुरुद्वारे विच की हो गया। सुनो तो सही, भोग दी समाप्ति तो बाद रोज अनाउंस हुंदा बाद चाह दा लंगर तैयार है जी, ते सारी संगत जाके छक लवे। मैं तां देख के हैरान हो जांदा, कथा सुनन नालों ज्यादा चाह पीण वालिया दी गिणती कई गुना ज्यादा है। मैनू तां इंच लगदा चाह ही गुरुद्वारियां दा नितनेम बन गई है, ते अद्धी तो ज्यादा संगत चाह दा नितनेम निभाउणी गुरुद्वारे आउंदी है। हाँ हाँ, ए वी इक हल्का नशा है, पहला पहल कीते पर सर्दियां विच जद गुरपुरब आंदा तां संगतां नू गरम गरम दुध यां सौफिया छकाया जांदा, पर हुण तां नित दा ही काम बन गया। ए भी ढिड फुकनी नाम हुआ चाह दा। चिंत कौरे, वाकई ही नशा है। मेरे बजुर्ग दसदे सन कि पहला साडे देश विच चाह कोई नहीं सी पींदा। जदों भारत अंग्रेजां दी गुलामी हेठ आ गया ता लिप्टन टी वालियां दी रेहड़ी रोज सवेर सर आउंदी, घरां दे कुंडे खड़कांदी ते गरम गरम चाह दा प्याला मुफ्त देंदी। चलो मुफ्त दी तां हर कोई पी लैंदा सी, 1.5-2 महीने बाद लिप्टन टी वालियां दी रेहड़ी आउणी बंद हो गई। फिर की सी, रोज पीण वालियां दीआं अखां ही ना खुल्लण ते लब्भण बैठे गिद्दड़ सिंगी नू। इस तरह साडे देश विच नामक नशे दी चाह पत्ती बनाई गई, ते अज देखो गुरुद्वारियां विच वी चावां दीआं अरदासां हुंदीआं ने। ए चाह दी बीमारी जे आपां गुरुद्वारियां विचों कढ देईए तां आ सारे लोकां दे दिमागां विचों किवें कढांगे। तुसी बिल्कुल ठीक किया, जिथे जाओ किसे दा घर होवे, किसे दा दफ्तर होवे, सब पासे चाह दी आवाज पैंदी है। इस चंद्री चाह ने तां लोकां नूं निकम्मा ही बना छड्डिआ। की मतलब? गल एदां होई, मैं अपनी पेंशन दे कागज कढाउणे सी, 10 बजे दफ्तर लगदा मैं 9:45 ही पहुंच गई। सोचिया स्वक्ते स्वक्ते काम करवा लेवांगी, घर आके रोटी टुक भी तो करना हुंदा है। एदे विच चाह कित्थों आ गई? सुनो तो सही, गल ए सी कि मैं पहला तो बाऊ जी आए 10:15, फिर एक नू हाथ मिला, दूजे नू हाथ मिला, गल्लां ही करी जान, मैं तो रेहा ना गया। मैं क्या बाऊ जी पहला मेरे कागज तो देख लो, मैं सवेर दी ही आई बैठी हाँ। फिर बोलिया रुक जा माता, चाह ता पी लैन दे। तुसी ना हर थान ते मैं नेरी ना लियाया करो। तुहानू ता हर वेले मैं ही गलत लगदी हाँ, इंच हनेरी दी केड़ी गल है। कोई उस बाऊ जी नू भी पुछण वाला होवे कि दफ्तर पहुंचदिआं ना चाह दी केड़ी हनेरी आ गई, घरों नाश्ता नहीं करके आए, उन्हां तनखा काम करन दी मिलदी है या चावां पीन दी। ओ पलिए, इन्हां बाऊआं दी चाह पानी दा मतलब कुछ तली गरम करना हुंदा है,
ताइयों तक काम कर देने। ले लुट पई है, मैं कोई गलत काम कराना? 30 साल नौकरी कीती है, नौकरी पेंशन दा ता मेरा हक है। मांग के ता देखे ओनू चाह पत्ती मां गड़का ना देता ता मेरा ना भी चिंत कर नी। तुसी ता एवी चाह वांगू बलना शुरू कर दिता, इस गालू ना इन्नी तुल देन दी कोई लोड़ नी। चाह तो अजकल फैशन बन गया, फैशन लोग फटाफट कहणगे जी ओदे घर गए सी, ओना ने ता चाह भी नहीं पुछी। हाँ हाँ ठीक है, जब साढ़े करे भी किसी ने आना ता माता जी ने फटाफट कहना, चिंत कोरे किसी आएगे नु चाह पानी पुछेंगी या गल्लाई मारी जावेंगी। मेनू ता इंच लगता है जिसनु मिलन जाओ उसनु ओनी देर तसल्ली नहीं हुंदी जिन्नी देर अगला चाह ना पी लवे। की गल, चुप क्यों कर गए? चुप ता मैं कर गया कि पिछले हफ्ते मेरे नाल भी अजीब बीती। एक बड़ी वड्डी संस्था दे चेयरमैन साहिब नू मिलन गया, ओही गल, पहला चाह पी लो। ना इंदे च परेशानी दी केड़ी गल है, उन्ना ने तुहाडा सत्कार ही कीता। मान ता उन्ना ने वैसे ही मैनू बड़ा दिता, पर अंदर ओही फोबिया कि चाह ही सतगुरु ए। चलो पूरी गल दसो कि चाह पुछन च कादी परेशानी आ गई। सुनो ता सही, 2 घंटे बाद जद मैं उठन लगा ता चेयरमैन साहिब बोले, सरदार जी पहला चाह ता पी लो। मैं उन्होंने दसिया मेनू चाह ठीक नहीं लगती, ओदे नाल मेरा तजाबी मादा वधदा है। ता फिर ना पींदे? ओना दी नाराजगी तो बचन लई थोड़ी जी लै ता लई, पर जिन्नी मेरे को पीती गई मेनू पता है उस मुसीबत तो मैं किवें निकलिया। बाकी किते खान नू मिले या ना मिले, चाह हर थाई मिली जांदी है। जद साडी कुड़मणी पूरी होई तां मैं बड़ी औखी होके रेल गड्डी विच गई। 20 घंटे दा सफर सी, 20 घंटे दा, सीट भी मसा ही पसेंजर गड्डी विच मिली। गड्डी बड़े आराम नाल डिचक्यां कर दी, 24 घंटियां विच पुजी। फिर की हो गया, रेल गड्डी ता लेट हो ही जांदी है। रेल गड्डी लेट दी नहीं, किसे स्टेशन ते कुछ काम दा खान नू ना मिलिया। रात दा सफर भी शुरू हो गया, भुखी दियां वखियां चुकन मसा ही नींद पई सी। अचानक बड़ी उच्ची आवाज आई, मैं अब्बड़ वाहे उठी, देखिया गड्डी भी खड़ी सी ते इंजन भी लग गया सी। कह रहे ने हाय हाय। हाय हाय भला स्टेशन ते क्यों कहन लग पए? मैं आले दुआले पुछिया, देखो वे की हो गया, कौन कह रहा हाय हाय? मेरी सीट ते नाल बैठा एक नौजवान बोलिया, माता पी हाय हाय नी, ये ता चाह वेचण वाले आकर चाय चाय कह रहे ने। वाह बई, देखिया चाह दा कमाल, होइयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा करना जी बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।